लेकिन बिहार से भी बहुत अच्छी खबर आई, हम गुजरात भी जीते हैं और बिहार भी जीते और भारतीय जनता पार्टी ही आगे बिहार में लोकसभा के चुनाव में सारी सीटें जीतेगी और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमल के फूल की सरकार बनाएगी। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइट्स। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का चुनाव परिणाम आते ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब खुश नजर आ रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आते ही तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू भी हो गई है। इसी को लेकर शहनवाज हुसैन ने भी क्या कुछ कहा है वो आप सुने। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है कि गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 157 सीट से ज्यादा देकर यह संदेश दे दिया है कि गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है और यह भी संदेश चला गया है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी अपार बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हिमाचल में जरूर परंपरा जो थी एक एक बार की वो नहीं टूट पाई, लेकिन बिहार से भी बहुत अच्छी खबर आई, हम गुजरात भी जीते हैं और बिहार भी जीते। बिहार में ये एक सीट का उपचुनाव नहीं था बल्कि महागठबंधन के बाद ये बहुत बड़ी परीक्षा थी कि गोपालगंज में बीजेपी ने महागठबंधन को हरा दिया था और यहां पर कुढ़नी में स्पष्ट तौर पर हमने महागठबंधन को हराया है, जेडीयू को हराया है। इससे संदेश चला गया कि कोई भी कितना गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी ही एक बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की बिहार में है और भारतीय जनता पार्टी ही आगे बिहार में लोकसभा के चुनाव में सारी सीटें जीतेगी और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमल के फूल की सरकार बनाएगी। तो आपने बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन को सुना, जिन्होंने कहा है कि महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को शिकस्त देते हुए केदार गुप्ता ने जीत दर्ज की है और इससे साफ हो जाता है कि आने वाले 2024 में भी महागठबंधन को इसी तरीके से शिकस्त मिलेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बातें कही हैं। आपको बता दें, लेकिन बिहार से भी बहुत अच्छी खबर आई, हम गुजरात भी जीते हैं और बिहार भी जीते और भारतीय जनता पार्टी ही आगे बिहार में लोकसभा के चुनाव में सारी सीटें जीतेगी और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमल के फूल की सरकार बनाएगी।